Subscribe and press the bell icon for latest update. अरुणाचल प्रदेश की पाके कसांग और लिकाबली विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके दोनों सीटें हथिया ली हैं। इस तरह 60 सदस्य राज्य विधानसभा में अब भाजपा के 49 विधायक हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के 9, कांग्रेस का 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक है। पाके कसांग सीट पर भाजपा के वी आर वागे ने 475 वोटों के कम अंतर से जीत दर्ज करके कांग्रेस के एकमात्र प्रतिद्वंदी और पूर्व उप मुख्यमंत्री कामेंग डोलो को पराजित किया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीजे भट्टाचार्य ने बताया कि वाघे को 3517 मत मिले जबकि डोलो को 3042 वोट प्राप्त हुए। लिकावली सीट पर भाजपा के कार्दो नियमगोर ने पीपीए के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गुमके रिबा को 305 मतों से हराकर जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार को 3461 मत मिले जबकि पीपीए उम्मीदवार को 3156 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार मोदाम दिनी को केवल 362 मत मिले। इस सीट पर एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार सेंगो तेपोड़िया को 675 वोट हासिल हुए। इन सीटों पर 21 दिसंबर को उपचुनाव में 68.5% से अधिक मतदान हुआ था। SBI News Room की रिपोर्ट।